उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। वहीं लालकुआ में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल गश्त खाकर गिर पड़े। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अधिक धूप और 3 किलोमीटर तक लंबी पदयात्रा के बाद लालकुआ तहसीलदार पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल मीडिया से चर्चा के दौरान अचानक गश खाकर पत्रकार के ऊपर गिर गए, जिसके बाद पूर्व ग्राम प्रधान बीडी खोलिया ने उन्हें संभाला और कार में आराम कराया। हालांकि जिसके कुछ देर बाद उनकी हालत में सुधार आ गया और हरीश चंद्रपाल के पुत्र किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन उन्हें घर लेकर गए। अचानक हुई इस घटना के बाद तहसील परिसर में मौजूद कांग्रेस नेताओं में हड़कंप मच गया।